सर। चलिए बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसको हम लोग सीटू साइकिल भी बोलते हैं। सीटू साइकिल अच्छा, सीक्री साइकिल किसे बोलेंगे अपनी? आप सब लोग हमें सुन रहे हैं? केल्विन साइकिल को। वेरी गुड, केल्विन साइकिल को ही हम लोग सीक्री साइकिल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीटू साइकिल की। क्या होता है सीटू साइकिल? एक छोटी सी साइकिल है, इसको बात करेंगे। इसमें तीन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, हियर थ्री सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन सा लेती है? पहला है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, और तीसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बच्चों, देखा जाए क्या होगा। देखो, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट ऐसे बनाएंगे, एक लाइन क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद एक दूसरी लाइन खींचेंगे हम लोग पराक्सीसोम। इसके नीचे होगा अभी जो एंजाइम कहा गया था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एक मेजर फाइन अंतर होता है। सीटू साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस तीन ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पराक्सीसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, ठीक है, RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे एंजाइम कार्य करेगा रूबिस्को, वही एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजन। वो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी शो करेगा? ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी शो करेगा। फिर से लिख देते हैं रूबिस्को, रूबिस्को, ठीक, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज होगा। क्या बनेगा? बनेगा 2-फास्फोग्लाइकोलेट, 2-फास्फोग्लाइकोलेट प्लस 3-PG। ये दो मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल, यह 3-फास्फोग्लाइकोलेट, ये जो 2-फास्फोग्लाइकोलेट है, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फेटेज एंजाइम है
कन्वर्ट हो जाएगा टू ग्लाइकोलेट में, टू ग्लाइकोलेट में, और टू ग्लाइकोलेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब दूसरे आरएनए जिसका नाम है पराक्सीसोमी। मेरे साथ साथ बताइए क्या क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ सर? सर आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, जी आरयूबीपी का मतलब ग्लाइकोलेट बना, आरयूबीपी का मतलब हुआ राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3PG, 3PG का मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके यस सर। अच्छा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है 2-ग्लाइकोलेट में, ये 2-ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो जाएगा अब पराक्सीसोम में। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यस सर। देखिए 2-ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, माइक बंद कर दो सौरभ। टू ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड पौधों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसे रैपिडली कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन में, वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंजाइम का नाम है यहां पर ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन, ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन, टू ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। नहीं ठीक है, बताओ कैसे बन सही होगा, अगर हम टू कर दें तो क्या हो जाएगा, टू कर दें तो होगा क्या सर, H2O2 है और उसमें H2O plus O2 बना है, क्या कर दें तो बताओ, कैसे जोर से बोलिए सर, 2H2O हो जाएगा और 2H2 बताओ तो, तुम ही लोग तुम लोग आपस में कैसे बतिया रहे हो, उनसे बात करो हमें बताओ, निकाल देंगे एक एक करके बेटा, एक एक करके, एक एक तो कीर्ति तुम बताओ, निकाल देंगे H2O2 को 2OH निकाल दो, सुनाई नहीं दिया बच्चों, टू सर 2OH निकाल दो H2O2 से, कौन बोल रहा है खुशबू, अगर हम यहाँ पे मैं देखो दूसरे कलर की पेंसिल लिख रहा हूँ बच्चों, क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, तो सर 2H2O बन जाएगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस है, सही है बच्चों, यस सर, कीर्ति बताएंगे, सही है, चलो आगे आओ, अब 2-ग्लाइकोलेट जो है कन्वर्ट कर दीजिएगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-ग्लाइऑक्सीलेट में, इसमें कन्वर्ट होगा 2-ग्लाइऑक्सीलेट में, बच्चों एकदम इसी सीक्वेंस में आपको मेमोराइज करना होगा 2-ग्लाइऑक्सीलेट, स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना सबको, यस सर, ग्लाइकोलेट किसमें बदल गया, 2-ग्लाइऑक्सीलेट में, अब ग्लाइऑक्सीलेट को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन क्या है, एक एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, तो
अब एमिनो एसिड यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। याद रखिएगा इसको बच्चों, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक, अच्छा अभी किसने बताया सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, किसने बोला? खुशबू। गुड खुशबू। क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि इसमें R की जगह पे जो एल्काइल चेन है उसमें हाइड्रोजन ही जुड़ा रहता है। ठीक है, आइए अब ग्लाइसिन का ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन का ट्रांसफर कहाँ किया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं क्या होगा। चला आया ग्लाइसिन यहाँ पर। इस ग्लाइसिन को कन्वर्ट किया जाएगा अब सेरीन में। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये टू सेरीन ना होकर के सिर्फ सेरीन होगा। मतलब अब तक तो दो दो मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे आपको दिखाऊं क्या होगा, सिंगल सेरीन बन गया। हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पे हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज हो गया। अब तक फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने देखा था डार्क रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, फिक्स कर दी जा रही है। लेकिन अगर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वह प्रोसेस के दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाएगी। ठीक, अच्छा एक मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो कितने एनर्जी का लॉस हुआ? 3 एटीपी और 2 फिर से बता दूं कि एक अगर का लॉस हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड का तो लॉस कितने का हुआ? 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। गुड गुड, 3 और क्या निकलेगा साथ में? साथ में निकलेगा अमोनिया। ठीक, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा, आगे आते हैं इसको दिखाते हैं आपको। सेरीन में कन्वर्ट हो गया, अब सेरीन जो है वापस भेज दिया जाएगा पराक्सीसोम में। यहां से मैंने कलर चेंज किया है बच्चों, सेरीन वापस आ गया इसमें पराक्सीसोम में। सेरीन को फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाइड्रोक्सी सेरीन में या हाइड्रोक्सी पाइरिमेट में, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा बच्चों, नाम है सेरीन अमीनो ट्रांसफरेज। सेरीन को हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए सेरीन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा। और ये क्या करेगा, ये ग्लूटामेट को ऑक्सोग्लूटामेट में कन्वर्ट करें। क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में बता दे रहे हैं। देखो क्या हुआ, जब प्रक्रिया चलेगी सेरीन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट की प्रक्रिया होगी सेरीन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो वहां एक साथ साथ साइमल्टेनियस रिएक्शन भी होगा। वो क्या होगा, स्ट्रोमा में मौजूद पराक्सीसोम में मौजूद ग्लूटामेट को ऑक्सोग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए हाइड्रोक्सी पाइरुवेट क्या कहेगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में, ग्लिसर
रेट में। इस ग्लिस रेट का ट्रांसपोर्टर मौजूद होगा पराक्सिसोम की दीवार पर और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिर से क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिस रेट आ गया। ग्लिस रेट को फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी खर्च करके। एटीपी खर्च होने का मतलब ऊर्जा खर्च हुई है, एटीपी खर्च हो गई और क्या बना ये फ्री फास्ट हो गई नहीं, ये तो एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में और ग्लिसरेट जो है बन गया फ्री फास्ट हो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया फ्री फास्ट हो ग्लिसरेट। जो ऊपर यहाँ बना हुआ है थ्री पी जी है, ये भी थ्री पी जी है। तो क्या क्या नुकसान हुआ बच्चों देखिए, क्या खर्च हो गया हमारा यहाँ देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने फिक्स की थी 3 ATP से और 2 NADPH से यह निकल गई, यह बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया आपने इसमें से? नो सर। यस सर। यस सर। सभी लोग ले लीजिए। यस सर। चल। यस सर। मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ। फोटो रिस्पिरेशन की प्रोसेस थ्री सेल ऑर्गेनेल्स में होगी। कौन बताएगा कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं इन्वॉल्व में? शुरुआत होगी किससे? RuBP RuBP 1,5-dephosphate से। RuBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रूबिस्को की यहाँ पर कार्बोक्सीजनेज आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पर होगी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, उसकी वजह से कन्वर्ट होगा रूबिस्को RuBP किसमें 2-phosphoglycolate और 3-phosphoglyceric acid में। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ये बनेगा और एक मॉलिक्यूल 3-phosphoglycerate बन जाएगा। 2-phosphoglycolate फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-glycolate में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह 2-glycolate पराक्सिसोम में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बना देगा 2-glyoxylate। सभी लोग सुन रहे हैं ना हमारी आवाज? यस सर। 2-glyoxylate फिर कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इस ग्लाइसिन का रिसेप्टर मौजूद है माइटोकांड्रिया की मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाएगा और वह ग्लाइसिन जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइटोकांड्रिया के अंदर। अब ग्लाइसिन आ गया, ग्लाइसिन से सेरीन बनने की प्रक्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चली जाती है, एक अमोनियम आयन बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है ग्लाइसिन से एक मॉलिक्यूल सेरीन। ठीक है, यहां कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल था। ठीक, और यहां कितने मॉलिक्यूल हो गए? 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन। अब यह 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफर कर दिया जाएगा वापस पराक्सिसोम में। पराक्सिसोम में सेरीन अमीनो ट्रांसफरेज नामक एंजाइम पाया जाएगा जो सेरीन को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। इस दौरान एक और रिएक्शन साथ साथ होगा, वह होगा ऑक्सोग्लूटरेट को ग्लूटामेट में और ग्लूटामेट को ऑक्सोग्लूटरेट में साइक्लिक रिसाइक्लिंग होगी। अब बचा हुआ जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है वह ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो एंजाइम होगा बच्चों, यहाँ जगह नहीं ठीक ले लीजिए ना, यहाँ पे हाइड्रोक्सी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या रिडक्टेज, सॉरी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किसमें? ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा
कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक एटीपी खर्च करके बना दिया जाएगा थ्री फास्फोग्लिसरेट में। यही थ्री फास्फोग्लिसरेट यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ और एक यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रक्रिया में लॉस क्या क्या हुआ? इस प्रक्रिया में तीन एटीपी और दो एनएडीपीएच का लॉस हुआ, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गई है। ठीक, अगर यह प्रक्रिया ज्यादा देर तक चालू रह गई तो क्या होगा? जितने एटीपी हमने फोटोसिंथेसिस में बनाए थे वह एटीपी सारे इसमें लॉस हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? यस सर। यह नुकसानदायक है कि लाभदायक है? नुकसानदायक। अच्छा, अब यह जानना है कि यह जो C2 साइकिल है कब परफॉर्म की जाती है? C2 साइकिल जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और CO2 का लेवल कम हो जाए, तब पौधों के अंदर तब जाकर के यह प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, इससे बचाव के लिए नेचर ने एक डिफरेंट तरह के प्लांट बनाए हैं, जिसे कहते हैं हम लोग C4 प्लांट। आप लोगों ने नाम सुना होगा C4 प्लांट। ठीक है, एक खास एंजाइम रुबिस्को बर्मेनर, इसकी दो एक्टिविटी है रुबिस्को की। एक कार्बोक्सीजिनेज एक्टिविटी है, यहां देखिएगा कार्बोक्सीजिनेज एक्टिविटी, और दूसरी है ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो गई तो वह यह क्या करेगा? C2 साइकिल परफॉर्म कर देगा और पौधों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसा न हो इसके लिए नेचर ने दूसरे तरह के प्लांट बनाए हैं, जो ड्राई एरियाज में रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं C4 प्लांट, और उनमें होने वाली जो साइकिल चलेगी उसे कहेंगे C4 साइकिल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में।